हेलो गाइस, अगर आपको बेसन के लड्डू खाना बहुत पसंद है और ये आपसे एक बार में परफेक्ट नहीं बन पाता है तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को फॉलो करें। मैं आपको परफेक्ट टिप्स के साथ बेसन के लड्डू बनाना बताऊंगी। तो चलिए आज की स्पेशल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी, बनवाल किचन में आपका स्वागत है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें यहाँ पे 1/4 कप घी ऐड करेंगे। घी को हम थोड़ा गर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 कप बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी ऐड करा है और 2 कप बेसन लिया है। तो बेसन को ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। बेसन के लड्डू बनाने के समय हमें मेजरमेंट का पूरा ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी ऐड करा था। हमें यहाँ पे 1 कप या 2 कप घी नहीं ऐड करना है। 1/2 कप यानी कि 4 बड़े चम्मच घी मैंने लिया था यहाँ पे। अगर आप एक बार में ज़्यादा घी ऐड कर दोगे तो बेसन के लड्डू ख़राब हो जाएंगे और वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम बीच बीच में घी ऐड करते जाएंगे। बेसन को हमें टोटल 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। तो अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और घी को हम फिर से मिक्स कर लेंगे बेसन में और इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। आप बेसन को पकाने टाइम ये ध्यान रखना कि बेसन में कोई लम्स ना आए। फिर मैं यहाँ पे 1 और बड़ा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को मिक्स करने टाइम हम यह ध्यान रखेंगे कि बेसन में लम्स ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे फिर से 1 चम्मच घी ऐड करा है और मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी और ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे टोटल 8 बड़े चम्मच घी ऐड कर चुकी हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे 1/2 कप घी ऐड करा है। इससे ज़्यादा हमें घी ऐड नहीं करना है। बेसन को हमें लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक कि बेसन में अच्छे से मॉइस्चर ना आ जाए। तो यहाँ पे बेसन में अच्छे से मॉइस्चर आ गया है और बेसन से एक बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। जब आप बेसन को लो फ्लेम पे पकाओगे तो बेसन बहुत अच्छे से भुन जाएगा और ये जलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे बेसन अच्छे से रेडी हो चुका है भुनकर। हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ से हैंडल कर पाएँ। तो हमें बेसन का ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। यहाँ पे बेसन थोड़ा ठंडा हो चुका है और हम इसे हाथ से इजीली टच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि बेसन का कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है और ना ही ये ड्राई हुआ है। तो आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है शुगर पाउडर। आप चाहो तो यहाँ पे भूरे का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने शुगर को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, बट इसे दरदरा ही पीसा है क्योंकि बेसन में दरदरा पिसा हुआ बहुत अच्छा टेक्स्चर लेकर आता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शुगर ऐड कर देंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ध्यान रखना कि बेसन पूरी तरह से ठंडा ना हो, ये थोड़ा वार्म हो, तभी शुगर अच्छे से इसमें मिक्स हो पाएगा। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम एक बार स्पून लेंगे और स्पून के हेल्प से भी इसे नीचे की ओर से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं यहाँ पे बचा हुआ थोड़ा सा शुगर पाउडर और ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल 2 कप बेसन लिया था, 1/2 कप घी ऐड करा है और साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर पाउडर ऐड करा है। तो हम सारी चीज़ों को हाथ से मिलाएंगे। ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए। तो अब हम एक लड्डू बांध कर देख लेते हैं कि हमारा लड्डू का टेक्स्चर कैसा आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लड्डू कितना ईजिली बन जा रहा है और ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है और ना ये ज़्यादा गीला हुआ है। अगर आपका बेसन ज़्यादा गीला हो जाए तो आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना और अगर वो ड्राई हो तो आप उसमें थोड़ा घी और ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हो लड्डू कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब हम इसे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता लगाएंगे। अब मैं आपको एक लड्डू हाथ में लेकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो लड्डू का टेक्स्चर कितना अच्छा आया है। देखकर लग रहा है ना कि ये मुँह में घुल जाने वाला लड्डू बना है। तो ये हमारा सुपर टेस्टी लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। लड्डू खाना तो हर किसी को पसंद है। इंग्रेडिएंट्स भी कम है, मेहनत भी कम है, तो आप इसे काफ़ी इजीली बना सकते हो और इसे बनाने में आपको मैक्सिमम 30 से 35 मिनट लगेंगे। ये काफ़ी इजीली बन भी जाता है और ये खाने में नो डाउट काफ़ी टेस्टी होता है। और इस गणेश चतुर्थी आप गणपति बप्पा को बेसन के लड्डू का भोग भी लगा सकते हो। तो मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ कि लड्डू कितना स्मूथ बना है। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।